हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट को कवर करने वाले हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट जीन के बारे में समझने वाले हैं, दैट इज HLA-B15E2-01। ओके, अब ये जो है ये बहुत अलग सा एक जीन है, एक डिफरेंट सा जीन है, एंड बताया जा रहा है कि यही कारण है जिसकी वजह से जो हमें देखने को मिलता है ना कि अरे COVID-19 हो गया पर कोई सिम्टम्स तो दिखे नहीं, ना कोई खांसी जुकाम हुआ, ना कोई ऐसा फीवरिश महसूस हुआ, तो यही शायद जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ए सिम्टोमेटिक बिहेवियर इन अ पर्सन बॉडी, अगर हम COVID-19 से रिलेटेड देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अन अकेडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आगे प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप अन अकेडमी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अभी के अभी आप ले सकते हैं। एक और बात याद रखना, अगर आप कोड AMSLIFE का इस्तेमाल करोगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 5% का ऑफ मिल रहा है। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करते टाइम इसी कोड को यूज कर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। जून एक्सटेंशन ऑफर से आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द सेम कोड। अनअकैडमी UPSC प्रॉमिस से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के स्पेशलाइज्ड नोट्स फॉर UPSC आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। ऑल स्टार बैच से जुड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं, ऑप्शनल की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। एंड सुपर कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है कल यानी संडे को सुबह 11 बजे। संडे को सुबह 11 बजे पहले ही अलार्म लगा दो, आपका 1 घंटे का टेस्ट है, 50 क्वेश्चंस आपको करने। अच्छी रैंक आती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, यू कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग गैजेट्स, तो जरूर कोशिश करना, जरूर एग्जाम को देना। ऑल्सो मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी अनअकैडमी की आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, रीसेंट स्टडी हुई है एंड रीसेंट स्टडी एक पब्लिश भी हुई है इन अ जर्नल नेम्ड एज नेचर। उसके अंदर ये बताया गया है कि एक स्पेसिफिक जीन का एक बहुत बड़ा रोल है इन एक्सप्लेनिंग कि वाई कुछ लोगों ने एसिम्प्टोमेटिक COVID-19 का कहीं ना कहीं एक्सपोजर देखा है, या फिर बहुत सारे केसेस के अंदर हमें इंसानों के अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाई दिए बट देवर कोविड They had COVID, okay? तो इसी जीन के बारे में यहाँ पर पूरा एक आया रिसर्च एंड वो पब्लिश भी हुआ। अब ये जो जीन है, इस जीन का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं HLA-B, ये जो 15E2-01 है, ये बेसिकली इसका सेरोटाइप है। एंड दिस जीन इज लिंक टू इम्यून सिस्टम एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी को मदद करता है इन डिफ्रेंशिएटिंग कि कौन से अपने खुद के सेल्स हैं एंड कौन से फॉरेन इन्वेडर्स हैं। तो अगर आराम से अगर हमारी बॉडी ये समझ पा रही है कि ये हमारे सेल्स हैं, हमें इनको हार्म नहीं करना, ये हमारे फ्रेंड है, वेयर एज जो दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स हैं दे आर एनिमीज, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट देम, तो कितना ज्यादा सही रहेगा, हमारी इम्यूनिटी एक तरीके से टारगेटेड वे में काम कर पाएगी। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि ड्यू टू दिस जीन वी आर एबल टू डू दिस, ये मदद करता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर जर्नल जिसका नाम है नेचर, 20% ऑफ द COVID-19 पेशेंट हमें देखने को मिले कि वो एसिम्प्टोमेटिक थे। नाउ दिस सिग्निफिकेंट परसेंटेज ये बात को हाईलाइट करता है कि हमें समझना चाहिए कि क्या फैक्टर इसके पीछे था, एंड मेन फैक्टर था इस पर्टिकुलर जीन का होना। एंड दिस हैज बीन फाउंड टू एड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सेल जिसको कहते हैं हम टी सेल्स, जिससे वो आराम से रिकॉग्नाइज कर सके एंड अटैक कर सके SARS-CoV-2 को, वायरस को रिस्पॉन्सिबल फॉर द COVID-19। तो क्योंकि ये आराम से मदद करता है जीन, हमारे टी सेल्स को कहीं ना कहीं मदद करता है, उन्हें एड करता है एंड हेल्प देम नो कि आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये आपके सेल्स हैं, ये फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो कि बाहर से आए हैं, इनको हमें कहीं ना कहीं हराना है या फिर इनसे हमें खतरा है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, SARS-CoV-2 वाला जो था वायरस, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं हम समझ पाए, उसको भाप पाए एंड उसके बाद हमारा जो इम्यूनिटी है वो उसके अगेंस्ट वर्क कर पाए। एंड ये जो इनहेंस्ड इम्यून रिस्पॉन्स है इट इज अ की फैक्टर इन प्रिवेंटिंग नोटिसिएबल सिम्टम्स। इसलिए बहुत सारे लोगों के पास ऐसा नहीं हुआ कि उनको भी बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो रहा है या फिर फीवरिश लग रहा है ना, जो हमें प्रोबेबल COVID-19 के सिम्टम्स देखने को मिलते थे वो बहुत सारे लोगों में नहीं हुए। स्टडी ने इसी बात को रिवील किया कि कुछ इंडिविजुअल्स पोजेसिंग टू कॉपीज ऑफ HLA-B15E2-01 वेरिएंट वर ओवर 8 टाइम्स मोर लाइकली टू नेवर डेवलप COVID-19 सिम्टम। तो जिनके पास
इंडिविजुअल के पास दो कॉपी है इस पर्टिकुलर जीन के, ऐसा बताया जा रहा है कि 8 टाइम्स इट इज मोर लाइकली कि उनको कभी COVID-19 के सिम्टम्स आएंगे ही नहीं, कोविड हो भी गया तो सिम्टोमेटिक नहीं होंगे वो। ओके, तो इससे रिलेटेड पूरी एक स्टडी हमें आती हुई नजर आई है। अब इंटरेस्टिंगली इवन दोस्त जिनको COVID-19 हो चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम, जब बाद में फिर से कहीं ना कहीं सेकेंड लेयर थर्ड लेयर आई, फिर से लोगों को होना चालू हुआ, पर बहुत सारे ऐसे देखने को मिले जिनको सिम्टम्स नहीं है। तो COVID-19 हुआ बट सिम्टम्स नहीं है, एंड मे बी दिस इज द रीजन, दिस HLA जीन इज द रीजन, या फिर दिस म्यूटेटेड वन जीन इज द रीजन जिसकी वजह से ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हमें SARS-CoV-2 का आता हुआ नजर आया। तो इससे रिलेटेड पूरा ये न्यूज के अंदर था, एंड आपको बस ये याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर जीन है मे बी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिम्टोमेटिक बिहेवियर्स, या फिर केसेस जो हमें देखने को मिले हैं COVID-19 के, SARS-CoV-2 के। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये न्यूज पे था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। बाय बाय, टेक केयर।